के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक मैसेज से कोई भी नंबर, ऑल इंडिया में कोई भी नंबर हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक फीचर फोन की जरूरत होगी, ना हमें इंटरनेट की जरूरत होगी, ना किसी चीज की। तो हमें एक मैसेज करना होगा। ये एक मैसेज है, मैंने यहाँ पे टाइप किया। इस मैसेज को मुझे एक नंबर पे सेंड करना है। ये आईसीआईसीआई बैंक में काम करता है। और जो मैसेज मैंने लिखा है ये है एम टॉप अप, और उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद किस कंपनी का मोबाइल है, जैसे वोडाफोन, मैंने यहाँ पे वोडाफोन लिखा हुआ है। और उसके बाद मैंने एक स्पेस देखे लिखा हुआ है कि मुझे कितने का रिचार्ज करना है। मुझे 11 रुपए का रिचार्ज करना है, छोटा रिचार्ज, तो मैंने 11 रुपए दिया। उसके बाद फिर मैंने उसमें स्पेस देके अपने अकाउंट नंबर का लास्ट का 6 डिजिट इसमें डाल दिया। तो ये सारी चीजें आपको अपने वहां से करनी पड़ेगी, आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। तो इस तरीके से आपको ये जो मैसेज है इसे इस नंबर पे सेंड करना होगा। ये नंबर है 9222204888। सो 9 4 टाइम 2 0 4 टाइम 8। सो ये नंबर है ऑक्सीजन वैलेट वालों का। तो या आईसीआईसीआई बैंक और ऑक्सीजन वालों ने दोनों ने मिलकर ये मतलब फैसिलिटी दिया हुआ है। आप ऑक्सीजन को अपना डिटेल्स मैसेज करेंगे, वो आपने आपके मोबाइल को रिचार्ज कर देगा। तो अब मुझे ये मैसेज जो है मुझे डिफॉल्ट फोन नंबर से, रजिस्टर्ड फोन नंबर से सेंड करना होगा। इस तरीके से मैंने अपने डिफॉल्ट फोन नंबर सेंड किया। यहाँ पे आपने देखा सेंडिंग और उसके बाद रिसीव्ड भी हो गया उसको, यानी कि ये नंबर मैसेज उनको मिल गया। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मैसेज भी आ गया कि जो मैंने रिचार्ज किया था सक्सेसफुल हो गया 11 रुपए का। तो ये वोडाफोन की तरफ से आया है। एक और मैसेज आया ये आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से, इसमें देखिए ये बोल रहा है डियर कस्टमर यू हैव सक्सेसफुली रिचार्ज ये नंबर 011 फॉर सिक्योरिटी रीजन प्लीज डिलीट द रिचार्ज रिक्वेस्ट मैसेज SMS। तो चलिए हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद वोडाफोन से एक और मैसेज आया, ये पता नहीं मुझे ऑफर दे रहे हैं कुछ 100 MB का, मुझे नहीं चाहिए अभी फिलहाल। और एक और मैसेज आया मेरे पास, ये मैसेज है हाय योर इंटरनेट पैक इज नाउ एक्टिव एंड वैलिड। तो ये बोल रहा है मेरे पास 45 MB का जो रिचार्ज मैंने अभी अभी किया था 11 रुपए का वो आ गया है। तो इस तरीके से आप कितने भी रुपए का रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि कितने का रिचार्ज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई प्लान नहीं दिखाता। तो आपको अगर प्लान पता है तो आप इस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।